हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजडम नर्सिंग कोचिंग। माई सेल्फ रोशन चौधरी। और आप सभी को जैसे कि पता है कि अपन ने ट्रेक की स्टडी है वो स्टार्ट कर रखी है क्लासेस आपकी, तो उसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस क्लासेस के अंदर अपन ने है वो वीक्स, मंथ एंड डेट्स, ठीक है, जो डेट हैं आपकी इंपॉर्टेंट, जो आपके वीक्स हैं, जो मंथ है, उनके बारे में अपन वन बाई वन करके डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका नेक्स्ट जो मंथ है आपका, जहाँ तक अपन ने कवर कर लिया था, ठीक है, जनवरी और फरवरी कंप्लीट हो चुके थे। अब जो बात करेंगे अपन वो करेंगे आपके मार्च मंथ की है, वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि मार्च के मंथ के अंदर कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट वीक्स होते हैं और कौन सा मंथ इसके सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। वो सारी चीजें अपन वन बाई वन करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, देखो सेकेंड वेनस्डे ऑफ मार्च। हर साल की अगर अपन बात करते हैं तो मार्च के मंथ के अंदर जो सेकेंड वेनस्डे होता है, ठीक है, हर साल मार्च का जो सेकंड वेनेसडे होता है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है नो स्मोकिंग डे। मतलब नो स्मोकिंग डे के नाम पे है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है हर साल मार्च का सेकंड वेनेसडे, ठीक है। सेकंड अपन बात करते हैं सेकंड थर्सडे की, अगर अपन बात करते हैं मार्च मंथ के सेकंड थर्सडे जो होता है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड किडनी दिवस या वर्ल्ड किडनी डे के तौर पर है वो सेलिब्रेट किया जाता है आपका। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि हर साल मार्च के सेकंड वेनेसडे और थर्सडे को क्या क्या सेलिब्रेट किया जाता है। वेनेसडे को आपका नो स्मोकिंग डे एंड थर्सडे को आपका वर्ल्ड किडनी डे है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अपन बात करते हैं 8 मार्च की बात करते हैं, 8 मार्च को है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से सेलिब्रेट किया जाता है आपका 8 मार्च को। 16 मार्च को आपका सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे या फिर इसको अपन नेशनल वैक्सीनेशन डे भी अपन बोलते हैं। तो 16 मार्च आपको याद रखना है, क्या देखो नेशनल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इंटरनेशनल या ग्लोबल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे या फिर नेशनल वैक्सीनेशन डे है आपका सेलिब्रेट किया जाता है, वो किया जाता है 16 मार्च को। 20 मार्च की अपन बात करते हैं, 20 मार्च की अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो वो होता है आपका वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है आपका सेलिब्रेट किया जाता है 20 मार्च को। 21 मार्च की अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो वर्ल्ड जो आपका डाउन सिंड्रोम डे होता है, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम दिवस है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है, वो किया जाता है 21 मार्च को है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं आपका 24 मार्च की अगर अपन बात करते हैं तो आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टीवी दिवस या वर्ल्ड टीवी डे है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 24 मार्च को है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ये तो हो गया आपके डेज की बात। अब अपन बात करते हैं कि मार्च मंथ में कौन सा वीक सेलिब्रेट किया जाता है। डे मैंने सारे आपको बता दिए हैं, अब बारी आती है आपके वीक्स की। तो वीक आपको याद रखना है सेकंड वीक ऑफ मार्च जो होता है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक के नाम पे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब मार्च का जो सेकेंड वीक होता है उसको अपन बोलते हैं वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक भी अपन बोलते हैं। तो ये आपके मार्च के मंथ के पूरे आपके डेज और वीक्स हैं वो पूरे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी, अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताइएगा आपको क्लासेस कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।